अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट की, अबाउट डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट यूज़ की जाती हैं अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक करने के लिए, या अपनी किसी भी प्रोडक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या किसी और पर्पज़ के लिए। अगर आपके स्टोर के ऊपर ब्लॉग किस तरह से होगा, किस तरह से ब्लॉग पोस्ट ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर है और यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है, सिंपल हम यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट का लिखेंगे, लेट्स सपोज टॉप ट्रेंडिंग टी शर्ट्स ऑन आवर स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं जो भी, और उसके अंदर इमेजेस वगैरह लिख देते हैं, सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका फीचर इमेज हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बूट्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम SEO के रेलिवेंट इसका टाइटल को जैसे शो करना चाहें, हम अगर चाहते हैं कि इस ये वाला टाइटल हमारा सर्च इंजन के अंदर इस तरह से शो हो, तो वो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाले डिस्क्रिप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर आपकी कौन सी डिस्क्रिप्शन शो होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट का URL क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पे हिडन है, इसको मैं विजिबल कर देता हूँ। विजिबल करने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ कि इसको एहसान दानिश ने लिखा है। तो यहाँ से इस तरह का कोई ऑथर एडिड नहीं है, यही ऑथर है, तो मैं इसी को रहने दूंगा। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन ब्लॉग न्यूज़, ठीक है, हम इसको न्यूज़ पे ही रहने देते हैं। तो ऑथर को मैं साइड पे कर देता हूँ, ये ऑथर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ से हमने जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट, इसी को सिलेक्ट कर देना है। अब ये थीम्स के रेलिवेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन लिटिल बिट डिफरेंट होंगे, बट कंसेप्ट सेम यही रहेगा। तो मैं इसको अगर सेव कर दूँ तो ये मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ फ्रंट एंड के ऊपर, तो देखें इस तरह से मेरा ये ब्लॉग पोस्ट शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे इमेज लगाई और यहाँ पे क्या टेक्स्ट वगैरह लिख दिया। बहुत सारे ब्लॉग्स, जैसे ये एक मैंने सैंपल ब्लॉग लिया है, इसके अगर मैं बिल्कुल बॉटम के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देखें प्रेस का ऑप्शन है, प्रेस या ब्लॉग्स या प्रेस रिलीज, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेट्स से द मोस्ट क्रिमिनली अंडर रेटेड गुड ब्रांड्स। अब इन्होंने देखें कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने ही प्रोडक्ट के अबाउट यहाँ पे इन्होंने लिंक्स दिए हुए, अगर ये आपने बाय करने हैं तो यहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ से डिटेल में लिखी। तो इस तरह से आप भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। इनको फ्रंट एंड पे किस तरह से शो करवाना है, जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जैसे ही हम अगर जाएँ, जैसे मैं इसको वन स्टेप बैक पे लेके जाता हूँ, जैसे ही हमने प्रेस पे क्लिक किया था तो यहाँ पे देखें डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट आ गए। तो इस तरह से किस तरह से शो करेंगे तो आगे चल के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।